क्यों? क्योंकि जितनी वो हस्तियां थीं कि जो खुद इस काबिल हैं कि कमाल और इंसान कामिल हैं, उन्होंने भी हुसैन को याद किया है सबने। खुद सातवें इमाम मरीज हैं, पैसे देकर शख्स को भेजा, जाओ करबला जाओ, इमाम के कुब्बे के नीचे खड़े होकर मेरे लिए दुआ करो। इमाम है खुद आइमा अलैहिस्सलाम ने। पांचवें इमाम ने वसीयत की कि मेरे पैसों से 10 साल तक मीना के मकाम पर आजादारी करो। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी इब्ने काब रावी रसूल के साथ बैठा हुआ है, जैसी देखा एक बच्चा आया, रसूल खुदा को सलाम किया, रसूल खुदा ने उसे सलाम का जवाब किया, फिर रसूल खुदा ने फरमाया ए जीनत व ज़मीन और आसमां। रावी कहता है या रसूल अल्लाह, मगर आपसे बढ़कर भी दुनिया की कोई जीनत है? आप खिलकत खुदा का हदफ है, आपके चक्कर में दुनिया खल्क हुई, आप मकसद दुनिया है, आपके अलावा भी कोई जीनत है? और आप इस बच्चे को क्या कह रहे हैं? कौन बच्चा? हुसैन इब्ने अली। रसूल खुदा फरमाते हैं कि हुसैन की मंजिलत जमीन से ज्यादा अर्श पर है। अर्श हर नबी ने हुसैन इब्ने अली पर क्रिया किया है। हर नबी जो गुजरा है करबला से, हजरत आदम से लेकर खातम तक, हुसैन इब्ने अली पर गिरिया है।